इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। नाला सोपारा मुंबई की उत्तर दिशा में 75 किलोमीटर दूर है। आज ये एक आधुनिक शहरी बस्ती है। आज इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि 2000 साल पहले ये पश्चिमी भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था और सोपारा के नाम से जाना जाता था। ये सोपारा स्तूप के अवशेषों की वजह से भी मशहूर था। यहाँ एक अजूबा भी छुपा हुआ है। नाला सोपारा के चक्रेश्वर महादेव मंदिर के बाहर भगवान ब्रह्मा की 6 फुट ऊंची आश्चर्यजनक प्रतिमा खड़ी हुई मुद्रा में मौजूद है। भारत में भगवान ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं। ब्रह्मा का सबसे ज्यादा मशहूर मंदिर राजस्थान के शहर पुष्कर में है। इसीलिए सोपारा में ब्रह्मा की मूर्ति देखकर कई लोगों को आश्चर्य होता है। इस मंदिर में स्थानीय लोग ही दर्शन के लिए आते हैं। सच ये है कि ये मंदिर सोपारा के खोए हुए वैभव का प्रतीक है। साहित्यिक पुस्तकों, शिलालेखों के अध्ययन और पुरातत्व के सबूतों से पता लगता है कि 3री शताब्दी यानी मौर्य शासन काल में सोपारा एक समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि शायद सोपारा पहले प्रसिद्ध बंदरगाह अवफिर रहा होगा, जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। प्राचीन भूगोल विज्ञानी टॉलेमी ने अपनी मशहूर पुस्तक ज्योग्राफिया में लिखा है कि उनके जमाने में सोपारा एक व्यापारिक बंदरगाह था, जहां से मेसोपोटामिया, मिस्र, कोचिन, अरब और पूर्वी अफ्रीका तक से व्यापार होता था। 5वीं सदी में इस इलाके में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने के बाद यहां हिंदू धर्म फैल गया। उसके बाद ये क्षेत्र अपरांता के नाम से जाना जाने लगा। यहां कई राजवंशों का शासन रहा, जिनमें सबसे प्रमुख सिल्हारा राजवंश था, जिसने यहाँ 13वीं शताब्दी में हुकूमत की थी। सिल्हारा राजवंश के जमाने में यहाँ वालकेश्वर और अंबरनाथ जैसे भगवान शिव को समर्पित कई शानदार मंदिर परिसर बनवाए गए थे। इनमें सोपारा का चक्रेश्वर महादेव मंदिर भी शामिल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शोध रिपोर्ट से पता चलता है कि सिल्हारा युग के कई मंदिरों में शिव की प्रतिमा के साथ ब्रह्मा की पूरक मूर्तियां भी मिली थी। इस बात की पुष्टि सोलापुर और गोवा में सिल्हारा युग के मंदिरों के अवशेषों में भी ब्रह्मा की इसी तरह की मूर्तियां पाए जाने से होती है। लेकिन 13वीं शताब्दी के ब्रह्मा को समर्पित इस पंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। 14वीं सदी में इस क्षेत्र पर पहले गुजरात के सुल्तानों की हुकूमत रही। बाद में यहाँ पुर्तगालियों का शासन रहा। समय के साथ सिवाय अंबरनाथ मंदिर के इलाके के तमाम मंदिर ओझल हो गए। चक्रेश्वर महादेव मंदिर भी इतिहास से पूरी तरह गायब हो गया। उसकी चंद मूर्तियां और मंदिर के कुछ अवशेष ही बचे हैं। समय के साथ इन मंदिरों का वजूद भी भुला दिया गया। ये पुरातत्वविद भगवान लाल इंद्रजी ही थे जिनकी वजह से सोपारा की भारतीय नक्शे पर दोबारा वापसी हुई। भगवान लाल इंद्रजी ने ही सन 1882 में सोपारा के टीलों की खुदाई करवाई थी। उस खुदाई में मशहूर बौद्ध स्तूप मिला था। उसके बाद स्तूप के आसपास की गई खुदाई में अशोक का एक शिलालेख भी मिला था। फिर उन्होंने उसी इलाके में और खुदाई करवाई, जिसमें ब्रह्मा की 6 फुट ऊंची मूर्ति और मंदिरों के टूटे हुए हिस्से भी मिले थे। सन 1889 में भगवान लाल इंद्रजी ने एशियाटिक सोसाइटी के सामने पेश किए गए अपने दस्तावेज में भगवान शिव के एक भव्य मंदिर का भी जिक्र किया था। इन खोजों की वजह से ही इस इलाके के बारे में नई जानकारियां मिली, जिसे अब तक मुंबई का महज एक बैकवाटर समझा जा रहा था। आज भी सोपारा के सुनहरे युग की इन निशानियों यानी सोपारा स्तूप और भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा को देखने चंद ही लोग आते हैं।